थाना अंतर्गत मुस्लिम एकता कॉलोनी वार्ड नंबर 11 मैनाठेड़ के पुलिया की समस्त जनता बिजली और पानी भराव को लेकर परेशान। कई वर्षों से रह रहे वहां के निवासियों ने बताया कि यहां आज तक लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है और न ही पानी की निकासी। लोगों ने बताया कि यहां पर पानी भरे रहने से मच्छरों का काफी प्रकोप है और लाइट की व्यवस्था न होने से हम सभी कॉलोनी वासी बहुत ही परेशान हैं। कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से भी मिले लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम सभी कॉलोनी वासियों का प्रशासन से यही अनुरोध है कि यहां लाइट और पानी निकासी की व्यवस्था कराई जाए। इस मौके पर मोहम्मद गुलशाद, निशा बानो, अनिशा, मोहम्मद राहिल, हसीना, मोहम्मद नसीम सहित अनेक कॉलोनी वासी मौजूद रहे। रिपोर्ट अजय सक्सेना। मोहम्मद गुलशाद, ये कौन सी जगह है? ये मुस्लिम एकता कॉलोनी मनाठेर। तो क्या परेशानी है आप सब लोगों? यहाँ बिजली की बहुत परेशानी है, हम लोग बहुत परेशान हैं, काफी टाइम से रह रहे हैं। यहाँ बिजली का कोई भी संशोधन नहीं है। हम लोग दसराय जाते हैं तो वो लोग कहते हैं देहात में आता है, देहात जाते हैं तो वो कहते हैं दसराय जाइए। हम लोग काफी परेशान हैं इधर से इधर, लेकिन कोई भी बिजली की यहाँ सुनवाई नहीं है। और यहाँ सड़कों की भी बहुत परेशानी है, पानी भर जाता है, बच्चे बीमार रहते हैं। इसके लिए सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। वहाँ जाते तो वहाँ के लिए बोलते हैं हमसे। और अब मझोले वाले बोल रहे हैं कि इसका एस्टीमेट बना के दिया उन्होंने कि इसमें 2.5 लाख रुपए लगेंगे, 34,000 रुपये प्रति खंभा, 7 खंभे लगेंगे। उसके लिए हम परेशान हैं, इसमें हमारी मदद की जाए। अब 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो सब गरीब लोग हैं, तो गरीब लोग के खाने का ही पूरा ना इस टाइम, तो हम 2.5 लाख रुपये कहाँ से देंगे? तो हमारी अपील है कि ये लोग हमारे लिए बत्ती का इंतज़ाम कराएँ, जो भी मुनासिब होगा उसमें करें हमारे साथ में। यहाँ तो सभी गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, क्या करेंगे बताइए? गरीब आदमी कहाँ से करेगा? अगर हम लोग गरीब नहीं रहते, अगर हम लोग का हर चीज़ का सुविधा रहता तो हम लोग गांव देहात में ज़मीन और घर बना के क्यों रहते हैं? हम लोग भी तो शहर में रहते हैं। हम लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा लाइट से, और बहुत जाते हैं, बहुत चक्कर लगाते हैं लेकिन नहीं लग पाते। आप लोग हमारे साथ में कोई मदद करें। हाँ जी, बहुत परेशानी में है, बच्चा बीमार पड़ा है और गरीबी की हालत है, इतने पैसे हम कहाँ से लगाएं? हमारी परेशानी दूर करो और लाइट लगाओ और ये सड़क बनवाओ हमारी, हम बहुत परेशानी में है इस टाइम। छोटे बच्चे भाई बीमार हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगा, यहाँ पे मच्छर है, बताओ रात में अंधेरा में छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके कैसे रहेंगे हम लोग? अगर न बत्ती का सुविधा, न पानी का सुविधा, किसी चीज का तो आराम नहीं है। सरकार किस लिए है? हम लोग वोट किसको दे रहे हैं? वोट मांगने आ जाते हैं तो देंगे, वोट मांगने आते हैं, वोट के लिए जरूरत है, लाइट की जरूरत नहीं, हम जाते हैं, हमें भगा देते हैं। सरकार किस लिए है? सरकार को हर चीज का सुविधा उठाना चाहिए, चक्कर लगा है, हमने बहुत परेशान हो रहे हैं। हम बोलती है हर घर में उजाला, तो क्यों नहीं है भाई? क्यों गांव देहात में है, सब अंधेरा है, सब अंधेरे में। गांव देहात में मीटर लगा हुआ, बत्ती का सुविधा है, पानी का सुविधा है, यहाँ नहीं है, बस्ती में नहीं है। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ये देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुखार बीमार हो जा रहे हैं, टाइफाइड हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को तो ये बोला जाएगा। मजदूर आदमी है, 2 रुपया कमाने वाले, तो कहाँ से सब कुछ कर लेंगे? हमारे 2 लाख 2.5 लाख रुपए हम लोग कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? हम लोग ये चाहते हैं कि